A very warm and fresh good morning all of you how's you all everyone i hope you all are fit and fine at your homes okay now today we will start our session by a thought your mind is a powerful thing when you fill it with positive thoughts your life will start to change आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है अगर आप उसको पॉजिटिव थॉट्स से फिल करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेके आओगे तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें नेगेटिव होगी सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे विथ पॉजिटिव थॉट्स ओनली इट विल चेंज योर लाइफ ओके

सेकेंड आर फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा और ट्राई कलर बिकॉज इट आर थ्री कलर्स हमारे फ्लैग को तिरंगा या ट्राई कलर क्यू बोलते हैं क्योंकि उसके थ्री कलर्स होते हैं ओके okay? थर्ड सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइज जो हमारे फ्लैग में जो सेफ्रॉन कलर होता है वो किसके लिए कॉन्स्टैंड होता है करेज एंड सेक्रिफाइज के लिए ओके, वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस ट्रुथ यानी सच्चाई और शांति के लिए ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी ओके आई हैड फॉर गॉट टू राइट हेयर पी आर ओ जस्ट एवरी वन यू राइट हेयर पी आर ओ एस पी ई आर आई टी वाई प्रोस्पेरिटी पी आर ओ एस पी ई आर आई टी वाई ग्रीन कलर किस लिए स्टैंड होता है प्रोस्पैरिटी के लिए ओके फोर्थ अशोक चक्र हैजेंटी फोर स्पोक्स अशोक चक्र पे कितने स्पोक्स होते हैं ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं फिफ्थ आर नैशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पिलर ऑफ पिलर एट सरनाथ इट वॉज बिल्ड बाय एम्प्रर अशोकम हमारा नेशनल एम्बलम जो हमारे नोट पे आपने देखा होगा कभी एक नेशनल एम्बलम बना होता है वो कहाँ से लिया गया है सरनाथ के एक पिलर से लिया है जो किसने बनाया है एम्फ्रर अशोका ने ओके सिक्स आर नेशनल एंथम वॉज रिटर्न बाय रबींद्रनाथ टैगोर हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है रबींद्रनाथ टैगोर ने ओके सेवेंथ वंदे मातरम वॉज रिटर्न बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी हमारा वंदे मातरम आर नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी टाइगर इज आर नेशनल एनिमल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है एंड लोटस इज आर नेशनल फ्लावर और लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है द पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड और जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है ओके okay? नाउ वी विल रिपीट वंस अगैन फर्स्ट एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंड नेशनल एंथम हर इंडिपेंडेंट कंट्री का ओन फ्लैग और अपना नेशनल एंथम होता है सेकेंड आर फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा और ट्राई कलर बिकॉज इट आर थ्री कलर्स हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम क्या बोलते हैं तिरंगा और ट्राई कलर बिकॉज उसमें थ्री कलर्स होते हैं थर्ड सेफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस जो सेफ्रॉन कलर होता है वो किस लिए होता है करेज और सेक्रीफाइस के लिए होता है और वाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस वाइट कलर किस लिए होता है ट्रूथ और पीस के लिए होता है ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रोस्पैरिटी ओके फोर्थ अशोक चक्र हैज ट्वेंटी फोर स्पोक्स अशोक चक्र में ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं फिफ्थ आर नैशनल एम्ब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम पिलर ऑफ सरनाथ इट वॉज बिल्ड बाय एम्प्रर अशोका हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है पिलर ऑट सरनाथ से लिया गया है इट वॉज बिल्ड बाय एम्प्रर अशोका उसको किसने बनाया है एम्पर अशोका ने ओके सिक्स आर नेशनल एंथम वॉज रिटर्न बाय रबिंद्रनाथ टेगोर हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है रबिंद्रनाथ टेगोर ने लिखा है ओके okay. सेवेंथ वंदे मातरम वॉज रिटर्न बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी वंदे मातरम किसने लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने एथ टाइगर इज आर नेशनल एनिमल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है लोटस इज़ आर नेशनल फ्लावर और लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है द पिकॉक इज आ नेशनल बर्ड और जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है अंडरस्टूड नाउ ए पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट वन वॉट डज द व्हाइट कलर इन द फ्लैग सिम्बलाइज फ्लैग कलर क्या शो करता है पीस सो टिक द्शन बी पीस सेकेंड अशोक चक्र हैज ट्वेंटी फोर स्पोक्स सो टिक द्शन बी ट्वेंटी फोर स्पोक्स थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेशनल फ्लावर हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है लोटस सो टेक द ऑप्शन बी लोटस द बेस ऑफ द एम्बलम हैज अ पिक्चर ऑफ जो एम्बलम का बेस होता है उस पर कौन किसका पिक्चर होता है अ हॉर्स एंड अ बुल सो टेक द ऑप्शन बी अ हॉर्स एंड अ बुल Fifth, the national song was written by Bankim Chandra Chatterjee. So, take the option A, Bankim Chandra Chatterjee. Okay. Now, we will revise once. First, take the option B, Peace. Second, take the option B, 24 Spokes. Third, take the option B, Lotus.

आर ए एन ए एस आई वाराणसी वी ए आर ए एन ए एस आई वाराणसी फोर्थ डैश रोट द नेशनल एंथम हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था रबींद्रनाथ टैगोर आर ए बी आई एन डी आर ए रविंद्रनाथ एन ए टी एच नाथ टेगोर टी ए जी ओ आर ई टेगोर अगेन आई रिपीट आर ए बी आई एन डी आर ए रबिंद्र नाथ एन ना, ए टी एच नाथ टेगोर टी ए नाउ नेक्स्ट फिफ्थ डैश मींस त्रुथविंस किसका मतलब होता है त्रुथविंस सत्यमेव जयते एस ए टी वाई ए सत्य एम ई वी ए सत्यमें जयते जे ए वाय टी सत्यमेव जयते एस ए टी वाई ए एम ई वी ए जे ए वाय टीई ओके सिक्स डैश इज रिटर्न बिलो द व्हील ऑफ आर नेशनल एम्बलम हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा है अगेन सत्यमेव जयते ओके नाउ वी विल री चेक वन फर्स्ट वन इज टाइगर टी आई जी ई आर टाइगर सेकेंड लोटस एल ओ टी यू एस लोटस थर्ड इज वाराणसी ए आर ए एन ए एस आई वाराणसी फोर्थ इज रबींद्रनाथ टेगोर आर ए बी आई एन डी आर ए रबींद्र एन ए टी एच नाथ टी ए जी ओ आर ई टेगोर, फिफ्थ इज सत्यमेव जयते एस ए डी वाई ए एम ई वी ए सत्यमेव जयते जे ए वाई ए टी ई सिक्स्थ वन इज आल्सो सत्यमेव जयते नाउ सी पार्ट ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट इज वी हैव आर ओन कॉन्स्टिट्यूशन यस ट्रू या तो आप ट्रू लिखिए या ओनली टी लिखिए ओके ट्रू सेकेंड ग्रीन कलर इन अर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस नो इट स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी सो राइट फॉल्स और एफ या तो आप पूरा फॉल्स लिखिए या फिर एफ लिखिए Third, Bankim Chandra Chatterjee wrote the national song. True, write T or true. Fourth, there are 24 spokes in Ashok Chakra. True, T R U E, true or T. Fifth one, the green band is at the top of the flag. False.

थर्ड पीस व्हाइट कलर बताता है पीस व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस ना सो राइट सेकेंड नियर पीस फोर्थ प्रोस्पैरिटी ग्रीन कलर सो राइट थर्ड नियर ग्रीन थर्ड नियर प्रोस्पेरिटी हार्डवर्क हार्डवर्क कौन सिंबलाइज करता है बुल सो राइट फोर्थ नियर बुल Again, we will recheck. First power horse, so write fifth near power. Sacrifice saffron, so write first near sacrifice. Third, peace. White stands for peace, so write second near peace. Fourth, prosperity. Green stands for prosperity. So write third near prosperity. Fifth, hard work. Bull stands for hard work. So write fourth near hard work. Now, E part. Answer the following question. First, what is the name of our flag and how many spokes are there in Ashok Chakra? हमारे फ्लैग का क्या नाम है और अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं द नेम ऑफ आर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा हमारे नेशनल फ्लैग का नाम है तिरंगा और उस अशोक चक्र में ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं ओके आई रिपीट वंस द नेम ऑफ आर फ्लैग इज तिरंगा देयर आर ट्वेंटी फोर स्पोक्स इन द अशोक चक्र ओके okay? Now second question. What do the following colors stands for? A. Saffron, white or green. अब इसमें हमको बताना है कि ये तीनों color किस किस के लिए stand होते हैं Okay? C. Saffron stands for courage and sacrifice. जो saffron होता है वो किसके लिए stand करता है Courage और sacrifice यानी हिम्मत और या किसी चीज़ को sacrifice करने के लिए वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस वाइट कलर किस लिए स्टैंड होता है सच्चाई और शांति के लिए ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी के लिए ओके आई रिपीट वंस सेफ्रॉन स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट रूल्स मस्ट बी फॉलोड वाइल हॉस्टिंग द नेशनल फ्लैग कौन कौन से रूल हमको फॉलो करने चाहिए जब हम हमारे नेशनल फ्लैग को हॉस्ट कर रहे हैं फर्स्ट द सेफ्रॉन बैंड ऑन द फ्लैग शुड बी शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप जो सेफ्रॉन कलर का बैंड होता है वो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए ओके सेकेंड इट कैन ओनली बी अनफॉल्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सिर्फ हमें कब हॉइस्ट कर सकते हैं इसको सनराइज से सनसेट के बीच में थर्ड इट शुड नॉट बी बर्न इसको जलाना नहीं है इट कैन नॉट बी वॉर्न इसको हम पहन नहीं सकते हैं ओके फर्स्ट अगेन आई रिपीट द सेफ्रॉन बैंड ऑन द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप सेकेंड इट कैन ओनली बी अनफर्ल्ड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट

वेन आर नेशनल एंथम इज बींग संग और प्लेड हमें क्या करना चाहिए जब हमारा नेशनल एंथम बचता है या प्ले होता है वैन आर नेशनल एंथम इज़ बींग संग और प्लेड वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन हमें हमेशा अटेंशन में स्टैंड होना चाहिए और जो हमारी मुठ्ठी है वो हमेशा बंद होनी चाहिए ओके आई रिपीट वंस When our national anthem is being sung or played, we must stand in attention with fist closed. Okay? Now, students, we have also revised chapter number 17. Okay? Now, in the next session, we will revise chapter number 18. So, everyone, just revise till this chapter. Okay? Bye and have a great day ahead, everyone.